हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमकरपीडिया में स्वागत करता हूँ। IOCL की इतनी बड़ी वैकेंसी के बाद एक बार फिर से आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है, क्योंकि IOCL की जो वैकेंसी थी वो सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए आई थी, बट ये जो वैकेंसी आई है वो सभी लोगों के लिए आई है, चाहे वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो चाहे वो फ्रेशर कैंडिडेट हो जो अभी पास आउट होकर निकले हैं। बहुत ही अमाउंट में वैकेंसी आई है। उस कंपनी का नाम है NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अप्रॉक्सीमेट करीब 183 वैकेंसी आई हुई हैं अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड, जिसके बारे में पूरा विस्तार से आज बात करेंगे कि कैसे कैसे उसे अप्लाई करना है, क्या उसका सिलेक्शन पैटर्न रहेगा, या किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है और किस मेथड से वो सिलेक्शन करेंगे आपका, वो टोटल इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसी किसके लिए आई हुई है, उसके लिए हम पहले बात कर लें। तो इतनी बड़ी वैकेंसी तो मुश्किल से NFL में देखने को मिलती थी जितनी इस बार आई है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी और मैं आपको एग्जैक्ट बताने के लिए थोड़ा सा देख कर भी बोलूंगा कि कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्योंकि इतनी वैकेंसी याद करना पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे कैसे है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे, जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, तीन पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड टू करके वैकेंसी का नाम आया हुआ है। और कितनी कितनी वैकेंसी पहले उसके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें केमिकल ट्रेड के लिए कि कितनी वैकेंसी आई है, तो टोटल 87 वैकेंसी है केमिकल के लिए, काफ़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं NFL के तीन यूनिट्स चल रहे हैं इंडिया में मोस्टली, एक पानीपत, दूसरा बठिंडा और तीसरा जो हमारा विजयपुर करके है, वहाँ के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो केमिकल वालों की बात कर ले कहाँ कहाँ के लिए कितनी वैकेंसी है, तो जो पानीपत है उसमें 40 वैकेंसी आई हैं, भटिंडा है उसमें 26 वैकेंसी आई हैं और विजयपुर में आया है 21 वैकेंसी। ये तो केमिकल वालों की बात हो गई। और जो ब्रांच है जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, इनके लिए भी वैकेंसी अच्छी खासी है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 15 वैकेंसी, 15 वैकेंसी हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, और इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी हैं। ये जो वैकेंसी है तीनों यूनिट्स के लिए है, टोटल में ग्रैंड टोटल बता दे रहा हूँ। जैसे 15 वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो 3 6 6 करके आए हुए हैं, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 5 1 1 करके पानीपत, भटिंडा एंड विजयपुर करके है। और जो वैकेंसी आई हुई है वो मैकेनिकल फिटर का आया हुआ है और लोको अटेंडेंट का आया हुआ है। जो मैकेनिकल फिटर है उसमें 17 वैकेंसी है, 17 वैकेंसी है, और लोको अटेंडेंट की 23 वैकेंसी है। इस तरीके के से वैकेंसी आई हुई हैं जो आपको अप्लाई करना है। अब आप बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए हमें ये फॉर्म भरने के लिए। तो जो मैंने पहले तीन वैकेंसी बताई, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल की, उसको आप अप्लाई करने के लिए मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड होना चाहिए। मीन्स अगर आप केमिकल के स्टूडेंट हैं, केमिकल में फॉर्म डाल रहे हैं, तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग मेंशन करके आया हुआ है। इलेक्ट्रिकल है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, या केमिकल वालों के लिए एक और ऑप्शन दिया गया है जो मोस्टली चीज़ों में देखा जा रहा है, केमिकल इंजीनियरिंग ऑब्लिक BSc। BSc को भी कंसीडर कर रहा है। BSc वो कैंडिडेट भर सकते हैं जो PCM में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से किए हुए हैं 3 ईयर्स का BSc, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए। अब हम बात कर ले कि जो फिटर एंड लोको हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है क्वालिफिकेशन। तो जो फिटर हैं वो हाई स्कूल पास होने चाहिए और साथ में ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, और जो लोको हैं वो भी सेम ऐसे दिया गया है, हाई स्कूल पास होना चाहिए और रिलेटेड ट्रेड में वो उनका ITI होना चाहिए। ये तो हो गया हमारे क्वालिफिकेशन की बातें। अब हम बात कर लें कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या मांगी गई है कि कितना एज होना चाहिए। तो जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल से 30 साल तक के लिए दिया गया है, सभी के लिए, सभी क्वालिफिक जितने सारे ब्रांचेज हैं सभी के लिए यही दिया गया है। मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर, ये होना चाहिए आपका एज क्राइटेरिया। और इसमें फॉर्म फी भी बताया गया है कि कितना आपको फॉर्म फिल करते समय पैसा चार्ज लगेगा, वो 200 लगेंगे प्लस आपका जो बैंक चार्ज होगा वो अप्लाई होगा इस पे, अप्रॉक्सीमेट 250 के अप्रॉक्सीमेट जाएगा ये चार्ज, वो आपको इसको देना होगा। अब हम बात करते हैं कि कब से कब ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और कब इसका एंड डेट है। तो फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहा है, 21 से स्टार्ट हो रहा है, और जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर है आपका लास्ट डेट। मीन्स अप्रॉक्सीमेट आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा इसको फॉर्म भरने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है, ये जो वैकेंसी है वो टोटली रिटेन बेस है, इसमें कोई स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला या इंटरव्यू नहीं होने वाला।
टोटल आपका सिलेक्शन आपके रिटन बेस पे होगा, जो ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये तो थी आपकी एनएफएल की वैकेंसी के बारे में कि क्या क्या आपको करना है। इतनी ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी आई हुई है, आईओसीएल के बाद दूसरा देखने को मिला है। मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आईओसीएल की जो वैकेंसी थी वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए सिर्फ थी, जो फ्रेशर कैंडिडेट थे उनके लिए नहीं आई थी। लेकिन ये जो वैकेंसी है वो सभी के लिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट ऑल्सो जो हमारे फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए भी, क्योंकि आप ये आप जान रहे हैं कि जॉब्स की कितनी प्रॉब्लम लोगों को हो रही है, तो उस समय ऐसी वैकेंसी आना आपके लिए बहुत खुशी की बात है। आप अच्छे से तैयारी करिए, इसका जो सिलेबस है एंड क्वेश्चन पेपर्स है मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो बीच में नहीं आ रही थी, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं कि थोड़ा जॉब्स में भी दिक्कत आती है, टाइम नहीं निकल पाता। तो अभी तो मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा। और जल्दी से जल्दी मैं इसका और आईओसीएल पे अगर वीडियो आपको चाहिए तो वो भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। और हैवी वाटर का या एनएफसी का जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसको भी मैं जल्दी से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आपसे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सभी लोग के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा, 12th और हाई स्कूल सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाइएगा।